में पुलिस के द्वारा तेल माफिया की 2.79 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। आगरा पुलिस ने तेल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,79,00,000 की संपत्ति कुर्क की है। तेल माफिया मिनाउजीन सानू और निक्की के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सिटी विकास कुमार के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत 2,79,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। 3 मकान, 9 बैंक अकाउंट, 5 दुपहिया वाहनों की कुर्की की है। एतमादौला और छत्ता में तेल माफिया के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। सर, कार्रवाई की गई है संपत्ति कुर्की की, क्या पूरी कार्रवाई है, क्या कुर्की? जी, यहाँ जनपद आगरा में आज कुर्की कार्रवाई चल रही है। ये कुर्की कार्रवाई थाना एतमादौला के मुकदमा संख्या 686/2021 जो कि गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, उसके अंतर्गत की जा रही है। जिस स्थान पे हम आज खड़े हैं, ये थाना छत्ता का क्षेत्र है और यहाँ पे 3 सात्विक किस्म के अपराधी, जिनमें एक का नाम है मैनाजुद्दीन और उनके 2 पुत्र सानू और निक्की निवास करते थे, और इनका 3 मकान जो इन्होंने अवैध संपत्ति से अर्जन किया था और 9 बैंक अकाउंट्स और 5 दोपहिया वाहन सीज किए गए हैं। ये इन सबके विरुद्ध पहले पूर्व का आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध 4 से 5 मुकदमे सभी के विरुद्ध पंजीकृत हैं और ये लोग तेल माफिया हैं, अवैध तेल का कारोबार करते हैं, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। जो कुल संपत्ति आज पुलिस ने कुर्क किया है उसका मूल्य 2,79,00,000 है और ये कार्रवाई की जा रही है। और आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अवैध कार्य करके संपत्ति का अर्जन करेगा उसके विरुद्ध ऐसी ही कार्रवाई होगी।